मैम क्या है पूरा मामला इसके बारे में? पूरा मामला ये है कि कल हमें नंदलाल यादव जी ने एक सूचना दी कि उन जो कि प्राथमिक विद्यालय जौनपुर में अध्यापक हैं, उन्होंने बताया कि उनके साथ साड़ी का व्यापार करने को लेकर ठगी हुई है। ये दोनों अभियुक्त तो उनके विद्यालय आए थे ये बोलकर कि ये स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी हैं और उनके यहाँ टॉयलेट का निरीक्षण करने आए हैं। उसी से उनकी बात बढ़ती गई और उन्हें विश्वास हो गया उन दोनों पर, और उसके बाद उन्होंने उनको साड़ी का व्यापार करने के नाम पर ठगा। मैम कितने की ठगी हुई थी और कितना रिकवरी हुआ? टोटल इन्होंने दोनों अभियुक्तों ने नंदलाल जी से 50,000 रुपये की ठगी की और इस केस में पूरी की पूरी रिकवरी दोनों अभियुक्तों से कर ली गई है। मैम आइडिया के बारे में पता चला कि कितना ये लोग पढ़े लिखे हैं और कहाँ से ये आइडिया लाते हैं? ऐसे एक अभियुक्त LLB किया हुआ है तो कहा जा सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, तो इस केस में उसने अच्छे से दिमाग लगाया है। और दूसरा अभियुक्त ऋषि का पड़ोसी है तो मिली भगत है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? सैदपुर गाजीपुर के रहने वाले। अभियुक्त गया था वहाँ पे, जब मिले तो अपना नाम बदल के गया था? नहीं, अभियुक्त ने नाम नहीं बदला था, नाम वही बताया था, परंतु अपने आप को स्वच्छ भारत मिशन का विकास प्राधिकरण में कर्मचारी बताया। अभियुक्त LLB किया हुआ है, क्या नाम है? उसका नाम सुधीर कुमार यादव। पहले भी इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे चुके हैं या पहली बार इस तरह? इन अभियुक्तों का ये पहली बार था, इसीलिए इनसे कुछ इंजीनियर आसानी से पकड़े गए। जैसा कि आप सबको पता है कि विगत वर्ष 2021 में बनारस के व्यापारियों के साथ एक बहुत बड़ी करोड़ों की ठगी का मामला आया था, तो उसमें सिगरा थाने पर कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे और आज सिगरा के SHO के कुशल निर्देशन में उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 8वां अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ अजय अरोड़ा भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैडम ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था और कितने की ठगी थी? कुल मिलाकर सभी व्यापारियों के साथ करोड़ों की ठगी की गई थी और 8वें अभियुक्त को गीता कॉलोनी दिल्ली से कल गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन सी टीम थी मैम इसमें? इस टीम में बुद्धराज गौतम मेन जो SI हमारे दिल्ली से इनको गिरफ्तार करके लाए हैं और कुशल निर्देशन SHO सिगरा और प्रकाश सिंह नगर निगम चौकी इंचार्ज कर रहा है। मैम आए दिन ऐसे व्यापारियों के साथ घटना होती रहती है, तो व्यापारियों को भी कुछ संदेश देना चाहती हूँ? व्यापारियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि थोड़ा जागरूक रहें, जिनके साथ आप डीलिंग करना चाहते हैं उनके साथ पहले उनका वेरिफिकेशन ज़रूर एक बार मार्केट में भी कर लें और पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो भी कर लें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं बनारस में होती रही हैं, तो आगे हम उनको थोड़ा उसके बारे में जागरूक करना चाहेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।